दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि कैसे आप फ्लिपकार्ट से अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है फ्लिपकार्ट से, तो कैसे आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं और साथ ही साथ में आप COD भी कर सकते हैं, यानी कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब आपके घर पर सामान आता है तभी आपको पैसे देने हैं, उससे पहले आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो यार, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था और मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको बता सकूं कि जब भी आप फ्लिपकार्ट से कोई सामान को ऑर्डर करते हो और आपको डैमेज मिलता है, यानी कि टूटा फूटा मिलता है, या साथ ही साथ में डिफेक्टिव मिलता है, उसकी बैटरी काम नहीं कर रही है, या फिर कोई कपड़ा आपने खरीदा, कोई शूज़ खरीदा, उस पर कट लगे हुए हैं, डैमेज है, तो उस कंडीशन में, या फिर हो सकता है कभी कभी आपको कपड़े पसंद नहीं आते हैं, या फिर जो भी सामान आपने लिया है वो आपको पसंद नहीं आता है, तो कैसे आप उसको रिटर्न करवा सकते हो, यानी कि वापस करवा सकते हो, और साथ ही साथ में अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो कैसे आप उसको रिप्लेस भी करवा सकते हो, यानी कि उस प्रोडक्ट को आप वापस करोगे और साथ ही साथ में उसके बदले में आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो दोस्तों, यहां पर समझते हैं कि कैसे आपको फ्लिपकार्ट पर अपना ऑर्डर वापस करना है और रिटर्न और रिप्लेसमेंट करवाना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम नवीन है और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफर टेक में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी तरफ से ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो का अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डायरेक्टली अपने फोन पर और आपको बताते हैं कैसे आपको फ्लिपकार्ट में अपने ऑर्डर को रिटर्न और रिप्लेसमेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने फोन पर फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करना है और यहां पर अपने अकाउंट को लॉग इन करना है। सिंपली मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा और लॉग इन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम जाएंगे सबसे ऊपर, यहां पर आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन नजर आती है, आपको वहां पर क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां पर आप नीचे आएंगे और यहां पर देखिएगा लिखा हुआ है माय ऑर्डर, तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप अपने माय ऑर्डर पर जाएंगे दोस्तों, उसके बाद आप यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर जो भी सामान आपने फ्लिपकार्ट से परचेस किया था, खरीदा था, वो आपको यहां पर इस तरीके से मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर देखिएगा कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती है वापस करने की या फिर रिप्लेसमेंट करने की। जैसे मान के चलो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो उस कंडीशन में आपको 10 डेज का, यानी कि 10 दिन का रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने प्रोडक्ट को एक ट्रिक की मदद से वापस करवा सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट परचेस करते हो, अगर आप कोई कपड़ा परचेस करते हो, जैसे क्लॉथ परचेस करते हो, या फिर आप यहां पर शूज परचेस करते हो, तो उस कंडीशन में 30 डेज का आपको रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलता है, यानी कि आप वापस भी करा सकते हो और साथ ही साथ में आप उस पर रिप्लेसमेंट भी करवा सकते हो, यानी कि वापस करके एक नया प्रोडक्ट ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहां पर देखिएगा, सबसे पहले अब हमें रिप्लेसमेंट या रिफंड कैसे लेना है। सबसे पहले देखिएगा, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ये वाला, और अगर आप यहां पर देखेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिएगा इसको रिटर्न करवाने का, यहां पर देखिएगा सबसे पहले आप आइटम पर जब जाएंगे तो यहां पर नीचे आपको दिखेगा रिटर्न, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जब इसको खरीदा होगा, उसके बाद आपको यहां पर कब तक आप इसको वापस करा सकते हो, यहां पर आपको डेट दिखेगा अगस्त 25, तो यहां पर आपको आपका डेट दिख जाएगा। अगर आपका डेट ओवर हो चुका है, यानी कि ज्यादा हो चुका है, 10 दिन से ज्यादा, तो आपका रिटर्न या रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। इस चीज के लिए मैं आपको बता दूं, अब आपको सिंपली रिटर्न पर क्लिक करना है नीचे, और जैसे आप यहां पर रिटर्न पर क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि क्या रीजन है, क्या वजह है कि आप इसको सामान को वापस करवा रहे हो। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे, यहां पर आप रिसीव रॉन्ग आइटम या फिर द प्रोडक्ट रिसीव इज डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव है, टूटा फूटा है, तो आप यहां पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट में कोई चीज छूटी है, यानी कि मिसिंग है, कोई सामान आपको नहीं मिला, जैसा कि डाटा केबल हो सकता है, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो मिसिंग है, ठीक है। यहां पर देखिएगा, इसके अलावा आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहां पर डैमेज का मिल जाता है, और यहां पर जो है अगर टर्न ऑन नहीं होता है, तो आप यहां पर ऑप्शंस को चूज करेंगे। उसके बाद आप यहां पर सेकंड स्टेप में जाएंगे और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से, और यहां पर आप जो है कमेंट डाल सकते हैं। जैसे मैं यहां पर रिटर्न लिख देता हूं, और यहां पर उसके बाद आपको नीचे से कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, अब दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे, यहां पर अब आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर देखिएगा 2 अलग अलग ऑप्शंस है,
रिटर्न और यहाँ पर देखिएगा रिफंड और यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम प्रोडक्ट, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस कंडीशन में आप या तो रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, अपना प्रोडक्ट वापस करके दूसरा ले सकते हैं, या फिर आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो आप यहाँ पर रिफंड क्लिक कर देंगे और रिफंड पर क्लिक करने के बाद आप नीचे से इसको सबमिट कर देंगे, सबमिट रिक्वेस्ट। और जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर देखिएगा हमारा रिक्वेस्ट चला गया है। और यहाँ पर अगर आप जो है अपना रिप्लेसमेंट डालना चाहते हो तो आप रिटर्न की जगह रिफंड की जगह रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा और इजिली आपका हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बहुत बार होता यह है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसमें 10 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलता है, वहां पर रिफंड का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो उस कंडीशन में आप एक काम करिएगा, पहली बार में अगर आप रिप्लेसमेंट करवा लेंगे तो दूसरी बार में जब आप उसको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन डालेंगे तो आपको नहीं शो करेगा और वहां पर आपको रिफंड का ऑप्शन मिल जाएगा। एग्जाम्पल, मैंने कोई ईयरफोन लिया, परचेस किया और मुझे वो पसंद नहीं आया, तो अब वहां पर अगर मैं उसको रिटर्न करता हूं, वापस करता हूं, तो वहां पर हो सकता है कि मुझे रिटर्न की जगह रिप्लेसमेंट का ऑप्शन मिले। तो आपको रिप्लेसमेंट उसको पहली बार में करवाना है और जब आपको वहां पर नया प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा, पुराने को आप वापस करेंगे, तो उसके बाद आपको 10 डेज का और डेट मिलेगा। तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से आपको सेकेंड टाइम आपको वहां पर जो है रिप्लेसमेंट का डालना है, लेकिन आपको रिप्लेसमेंट का ऑप्शन फिर नहीं दिखेगा सेकेंड टाइम में, फिर आप उसको रिटर्न करवा सकते हो बहुत इजी तरीके से। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे आपको फ्लिपकार्ट से खरीदे हुए सामान को रिप्लेसमेंट या फिर रिफंड करना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरा यूजर नेम है NAVIKALURA नवी कलूरा, तो आप डायरेक्टली मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम या ट्विटर पर सर्च कर सकते हैं और वहां पर हमसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।